खोल रत्नभंडा रहस्य श्रीमंदिर परिचालना कमिटर बड़ निष्पत्ति जुलाई आठ तारीख में आरंभ हो प्रक्रिया भंडार स्थिति जांच और अनुध्यान करेंगे उच्चस्तरीय कमिटी स्वागत कले सेवायत और श्रद्धालु विधानसभा नुआ बाचस्पति हे सुरमा पाढ़ी मुख्यमंत्री मोहन माझी उपस्थित दाखल कले नामांकन एकमात्र प्रार्थी भाव में प्रार्थीपत्र दाखल करद्वंद निर्वाचित होगा निश्चित बीजेडी विधायक बाछिले नेता विधानसभा विरोधी दल नेता हे नवीन पटनायक प्रसन्न आचार्य विरोधी दल उपनेता प्रमिला मल्लिक मुख्य सचेतक प्रताप देव उपमुख्य सचेतक राजधानी में मुंड ने मुकुला ट्रेन सोई रही बीएमसी अघटन पर घटनास्थल में पहुंची स्थिति अनुध्यान कले नगर उन्नयन मंत्री सात दिन रिपोर्ट देवाई निर्देश एपटे भुवनेश्वर ग्राउंड जीरो ने स्थित पर रखा कनक पीएम किसान टंका चाषीों खाता को आसवा पर कालिया टंका को नहीं जोर थला चर्चा बंद हो चालू रवंदर हिताधिकारी कृषि मंत्री कहे समय आसले स्पष्ट योजना बंद हेले घेर को बिजेडी चेतावनी पुणि बिवाद नगर उन्नयन सचिव आईन उल्लंघन करी माथी भातनन मारी बसी विडीए अध्यक्ष पद अवैध निजुक्ति विरोध में कि प्रकार कार्युषान केवल अपेक्षा चिंता बढ़ाला डिफ्थेरिया संक्रमण रोकने आरंभ है बुस्टर डोज एपटे डिफ्थेरिया संक्रमण चली कारण खोजा आरोगी को आंटीबॉडी सहित डिफ्थेरिया बैक्टीरिया जीनोम सिक्वेंसिंग श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा रत्न भंडार को नहीं श्रद्धालु भितरे उत्कंठा बढ़िबारे लगी केबे महाप्रभुंकर रत्न भंडार खोल से नहीं आलोचना करा जाउछि एयार भितरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देथिपा प्रतिश्रुति अनुसार खोलिबा जाउछि महाप्रभुंकर रत्न भंडार श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक निष्पत्ति अनुसार जुलाई मास रे खोलिबो रत्न भंडार तबे एबे गोटे कथा रहउछि समस्तक नजर रत्न भंडार केबे खोलुछि एवं केभलि भाबरे एहारो मरामति करा जाउछि खोलिब रत्न भंडार जांच करिब उच्चस्तरीय कमिटी रत्न भंडार खोलिबाकु कोटि कोटि जगा प्रेमी चाहि रहितबा बेले गजपति महाराजांको अध्यक्षतारे बसिथिबा श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक रे बड़ निष्पत्ति निया जायछि जुलाई आठ तारीख रे श्रीमंदिर रत्न भंडार एसआई को हस्तांतर करा जिवो तापरे कोर कमिटी और वैषयिक कमिटी सदस्यक उपस्थिति रे रत्न भंडार खोला जिवो स्वतंत्र कमिटी रत्न भंडार स्थिति जांच अनुध्यान करिबे अनुध्यान परे मरामति करा जिवो आठ तारीख दिन रत्न भंडार खोल से दिन इन्स्पेक्शन जहाँ किसी स्टेप निजन डिसीजन आमर जो ऑलरेडी जो रत्न भंडार जो कमिटी गठन होती कोर कमिटी गठन आमर जो टेक्निकल कमिटी अच्छा समस्त प्रेजेन्स दिन रत्न भंडार खोल खोलिकी अनुध्यान करते तुरंत भाव में जहाँ कार्य कार्य कर रत्नभंडार अनुध्यान और जांच पाई एएसआई पक्षरु 14 जनिया कमिटी गठन करा जाइछि सही कमिटी रा उपस्थिति रे रत्नभंडार खोला जिवो तेबे महाप्रभुंक रत्न अलंकार रा गणति मणति हेबो कि नाही ता स्पष्ट करा जाय नाही सरकार कमिटी गठन करिछि से ताका मीटिंग टा करो से एतरे रिकमेंडेशन दिया जाओ जोटा की तापरे सरकार निष्पत्ति नेबे केमती आमे ताको आगे को नहीं के जीवे से कमिटी टा बसीबे से कमिटी रे तापरे निष्पत्ति आसीबो से उपरे ही आमरो आगे को आमे जीवे 2018 मसेरु जो कमिटी रिपोर्ट देछि से रिपोर्ट रे जहां लिखा अछि सही अनुसार मंदिर रे किछि जगह रे ता भीतर सिपेज करूछि पानी क्रैक अछि प्लास्टर छाडीछि एही सब दिनस वर्तमान भी जो लेजर स्कैनिंग कराइला तादे मेंशन किंतु एत सीरीयस जिनस को आम आउ वेट करवा ठीक नुह इमिडिएटली या ऊपर एक्शन नवर आवश्यक प्रशासन एही निष्पत्ति को सेवायतंक ठरु आरंभ करी श्रद्धालु पर्यंत समस्ते स्वागत करिसंती जगन्नाथ महाप्रभु रथ जदिन लागिनतिबो
समस्त प्रशासन ठूँ आरंभ कर समस्ते बर्तमान महाप्रभु केमी जा आड़प मंडप विजय हे समस्ते से दृष्टि थी तेणुक यहीटा को आम परिचालन जे मुख्य गजपति महाराज एवं सी ताक निश्चित भाव विषय अवगत थे से परिचालन कमिटी आउ थे तार गोटे पुनर्विचार करेंगे बोली मुझुची कितना रत्नभंडार खोला निहाती दरकार अतिशीघ्र खोल दरकार खोलिकी तार मराम कार्य सहित जोटा आमर अगणित जगन्नाथ प्रेमी भक्त मनरे जो आसूची रत्न भंडार रत्न अच्छी कि तामिली पलि से भक्त मानी सार्वजन कर क्यमेरा भितर क्लोज सर्किट क्यमेरा लगे पब्लिक की जनईदवा उचित रत्न भंडार रत्न ठीक अच्छी कि भूल अच्छी एत दिन है कहीं खुला जाऊना कौन राजनीति चली कथा बारंबार आमर भक्त मैंने जिते ये कले भी सरकार मानु नथिले वर्तमान जो सरकार आई चतुर्द्वार खुला जाइए आ वर्तमान रत्न द्वार खुला गले आम बहुत उपकृत 2018 हाइकोर्ट निर्देश से रत्न भंडार जांच जाते 16 जनिया कमिटी बाहर भंडार चाबी खोली प्रवेश करिबा परे जांच करिथिले छात कांथ और चटाण से हाथ मारी अनुध्यान करिथिले किंतु भितर भंडार चाबी न मिलिबारो जाली झरका दे टॉर्च साहाज्य भितर भंडारर अनुध्यान करिथिले आउ रत्न भंडार चाबी हजिबा को 2024 निर्वाचन रे मुख्य प्रसंग करी बिजेडी को घेरिथिला बीजेपी चाबी चली गई किसके पास गई क्या वो खोलता है बंद करता है क्या करता है और फिर राज्य सरकार में जब तूफान खड़ा हो गया तो क्या कहते हैं राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है अब सवाल उठता है ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या कैमरा पर्सन पवित्र सुकांत और संजय का सह भुवनेश्वर रु खिरोद पाड़ी पुरी रु सीमांचल पाड़ी का रिपोर्ट कनक न्यूज यार भितर किछि गुरुत्वपूर्ण सूचना हमें आपण को सामना रखिबा पई चाहौछु खोलिप रत्न भंडार चाबी रो रहस्य कोन एही रहस्य आसुन नजर पकेबा खूब शीघ्र रत्न भंडार चाबी खोजिबा रहस्य खोजिब खोलिब नवगठित कैबिनेट रे दाखल हेब तदंत कमिशन का रिपोर्ट हाईकोर्ट को जणाइले राज्य गृह विभाग तबे ये होची बड़ सूचना जस्टिस रघुवीर दास तदंत कमिशन रिपोर्ट सार्वजनीन कराजिबो रिपोर्ट सार्वजनीन करिबा पई होइतिला जनस्वार्थ मामला जवा परवर्ती खबर को विधानसभा बाचस्पति निर्वाचन नामांकन भरी बीजेपी विधायक सुरमा पाढ़ी बीजेपी विधायक दल बैठक में सुरमा नारे मोहर मरा आसंता काली हेबो बाचस्पति निर्वाचन चलित निर्वाचन में रणपुर विधानसभा को निर्वाचित होती पूर्वतन समवाय मंत्री रही राज्य में मेंटर सरकार समय मंत्री रही सुरमा राज्य बीजेपी महिला मोर्चार पूर्वतन सभापति 17वां विधानसभा बाचस्पति भाव निर्वाचन लड़ुंट सुरमा पाढ़ी बीजेपी जड़े वरिष्ठ एवं अभिज्ञ नेत्री भाव में बेस जनाशुना पूर्व 2004-2009 बीजेपी बीजेडी मेंट सरकार समवाय मंत्री थे सुरमा पाढ़ी जड़े महिला अभिज्ञता दृष्टि सुरमा पाढ़ी भरोसा कर दल संख्या गरिष्ठता दृष्टि बीजेपी प्रार्थी सुरमा पाढ़ी बाचस्पति भाव में निर्वाचित होगा एक प्रकार स्पष्ट हो मान्यवर विधायिका सुरमा पाढ़ी भारतीय जनता पार्टी तरफ नॉमिनेशन फाइल कर द्वितीय नॉमिनेशन केही करना कौन सी राजनीतिक दल एवं मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जी मध्य पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित मान्यवर विधायक नवीन पटनायक सहित कथा भी होते एवं से मध्य तांकर नॉमिनेशन को सपोर्ट करने ओवर फोन कही तो आउ केही फाइल करना दिन 12 पूर्व तो नॉमिनेशन प्रक्रिया समाप्त हो
विधानसभा रे समस्त निर्वाचित विधायक शपथ नेछंती। आज द्वितीय तथा शेष दिन कि दृश्य देखा मिलता जहां चर्चार विषय पलटि रिपोर्ट। विधानसभा विधायकों शपथ शेष होभि कि रोचक दृश्य देखा मिली जहां चर्चार विषय पलटि। नवनिर्वाचित विधायक अशोक दास, रूपेश पाणिग्राही और सुजाता साहू मुंडिया मारी गणतंत्र मंदिर में प्रवेश कर गणजात माटी को सांगरे आणिले विधायक पूरण हेबो कि लोकों समस्या। बड़म्बा नरसिंहपुर विधायक विजय दलभेरा निज निर्वाचन मंडली गणजात माटी को सांगरे धरी विधानसभा को आसीथिले। गणजात माटी को साखी रखी बड़म्बा लागी निष्ठार सह काम करिवे बोली कहिछंती विजय। जेते मोर टिकेट कटि जाइथिला मो गोटे कथा कहिथिली पार्टी बड़ नुह माटी बड़। माटीर सम्मान, माटीर स्वाभिमान, बड़मा नरसिंहपुर स्वाभिमान, बड़मा नरसिंहपुर स्वाभिमान माटी माँ मत पठाई एठिक माटी माँ सेवा करने बद्धपरिकर। गणतंत्र मंदिर ओडिशार गणतंत्र मंदिर को आसुची जो माँ माटी मत पठाई मुझे माटी धरिक आसी माँ माटीर सेवक हिसाब से सेवा करने माँ मैंने गुरुजन मान जो भली भाव मत निर्वाचित कर स्वाधीन भाव ये निश्चिंत ऐतिहासिक विजय। परिवार सह आसिले कलिकेश रूपेश विधायक भावे नेले शपथ। परिवार सह आसी शपथ नेइछंती बलांगीर विधायक कलिकेश सिंहदेव। कलिकेश को परिवार इच्छा थिला कलिकेश सांसद होंतु सेमाने याकु देखिबे किंतु या संभव न हेबारु विधानसभा आसी शपथ ग्रहण देखिछंती परिवार लोके। सेइबोली पारलाखेमुंडी विधायक रूपेश पाणिग्राही भी परिवार सह आसी शपथ नेइछंती। गणतंत्र नेचुरल साइकिल अच्छी थरे मु शासक दल रे विधायक थी 2004-09, 09-14 विरोधी दल रे मु सांसद होती पार्लियामेंट दुई थर ए विरोधी दल में बसबू ओडिशा विधानसभा रे ओडिशा लगे काम करू एटा आमर गुरुधर्म अच्छे तेणु से जिनटा आम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन रोल प्ले कर पालाखेण निर्वाचन मंडल लक्ष लक्ष लोकों पर प्रतिनिधित्व नापी मत जो दायित्व मिली निजी को बहुत गर्व अनुभव कर आगामी दिन में आम स्वास्थ्य और शिक्षा एवं रास्ता पाने बहुत उन्नति हो आगामी दिन में भी मुझे गोटे युवक विधायक भाव में मोर आशा आकांक्षा आधिक अच्छी मुझे लोकों जहाँ भी अच्छी दाबी अच्छी आणिकी रखिक लोकों पर सर्वदा कम करने मोर निश्वास और विश्वास अच्छे। दल बदली साथी बदली रमेश को आसिले अधिराज 2019 कांग्रेस रु जीति एबे खरिया रु बीजेडी रु विजयी होती अधिराज पाणिग्राही। आज शपथ ग्रहण पर कांग्रेस विधायक रमेश जेना आसी अधिराज जहां आज बेस कौतूहल सृष्टि करितला। पूर्वतन मुख्यमंत्री अमर विजु जनता दल सभापति श्री नवीन पटनायक महोदय को जो मो उपरे विश्वास करी मते विजु जनता दल प्रार्थी करते मोर अभिज्ञता रे जिते अच्छी अंचल समस्या से समस्या को निश्चित रूप में विधानसभा रे उपस्थापन करी खरियार निर्वाचन मंडल लोकों आशा विश्वास जो अच्छी से आशा विश्वास को रखी एवं विधानसभा प्रत्येक कार्य मुझे भागीदारी। मंगलवार दिन विधानसभा 101 जन विधायक शपथ नहीं आज बाकी 45 विधायकों को शपथ देते कामचला बाचस्पति रणेन्द्र स्वाई। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन विनय और दीनबंधु ज्योति प्रकाश दास और देवाशीष सासमल की रिपोर्ट कनक न्यूज। किए हेब विरोधी दल नेता दीर्घ दिन धरी चली चर्चार अंत घटी। दीर्घ 24 वर्ष धरी राज्य को शासन बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक प्रथम थर लगे विरोधी दल नेता। संघ भवन में आयोजित बैठक में दलर नवनिर्वाचित विधायक नवीन पटनायक को विरोधी दल नेता भाव में निर्वाचित करा जाएगी। नुआ भूमिका रे नजर आसिबे नवीन बीजेडी रो पराजय परठारु नवीन को भूमिका को नै उत्कंठा बढ़िबारे लागिथिला। आशा करा जाउथिला नवीन को नेतृत्व रे विधानसभा रे मुख्य विरोधी दलर भूमिका नेब बीजेडी आउ ताहा ही होईछि। बीजेडी विधायक दल नेता निर्वाचन सह पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विधानसभा रे विरोधी दल नेता होती सर्वसम्मति रे बीजेडी विधायक माने तांको नारे मोहर मारिछंती।
विधानसभा आगामी मौसुमी अधिवेशन रे एही चित्र आउ देखिबा को मिलिबो नाही। विधि व्यवस्था अनुसारे विधानसभा प्रकोष्ठ रे बाचस्पति डाहाण पटकु सभा आगरे बसंती मुख्यमंत्री तांको पाखरे दुई नंबर मंत्री और संसदीय व्यापार मंत्री आसन रही थाए। आगामी अधिवेशन रे किंतु समान आसन रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सह दुई उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिडा देखा मिल। मंगलवार हिंजिली विधायक भाव शपथ नेबा परे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जेतेबेले विधानसभा ट्रेजरी बेंच को जाइथिले एहार आभास मिली जाइथिला। मुख्यमंत्री और दुई उपमुख्यमंत्री को भेटी शुभेच्छा जणाइथिले नवीन। एबे विरोधी बसुथिबा आसनर सभा आगरे बसिबे नवीन पटनायक। तांको पाखरे विरोधी दलर उपनेता प्रसन्न आचार्य और विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक बसिबे। They have elected me as the leader of the opposition and the leader of the Biju Legislature Party. Shri Prasanna Acharya, deputy leader of the Biju Janata Dal in the legislature. Shrimati Pramila Malik as chief whip and Shri Pratap Kesri Dev as deputy chief whip of the Biju Janata Dal. Navin Babu 24 barsh shasan kale odisha ra sarva janapriya neta aaj virodhi dal neta bhabare madhye se odisha ra sarva janapriya neta itare kon nirdesh ne amar arochana hala aaj amar upacharika baithak chala vidhayak dal ra neta nirvachan hale Navin Babu sarvasammati krame vidhan sabha re kon bhumika rahibo boli kahile विरोधी दल भूमिका रहा गोटे सशक्त विरोधी दल भूमिका रही सरकार को विपदगामी होवर रक्षा करने विरोधी दल कार्य कर। 24 वर्ष निरंकुश क्षमता उपयोग करिबा परे 2024 निर्वाचन बीजेडी पाई जो विपर्जय आनी नवीन को आगरु मुख्यमंत्री टैग को हटाई देछि। नवीन पटनायक को विधानसभा रे विरोधी दल नेता भाबरे देखिबा को केवल बाकी रही। नवीन को पछरे 50 विधायकों समर्थन रही विधानसभा एक सशक्त विरोधी भावे बीजेपी को अड़ुआ पकाइबारे समर्थ होइपारे बीजेडी। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन विनय ओ शंकर स्तुति रंजन प्रधान और ज्योति प्रकाश दास का रिपोर्ट कनक न्यूज। पीएम किसान योजना रे चासिंग को खाता को सहायता टंका आसी जाइछि। एबे द्वंद पड़ी कालिया टंका को नहीं हिताधिकारी आशा और आशंकर अच्छा उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव कौन स्पष्ट उत्तर रखिना। उपमुख्यमंत्री कहते एथपाई अपेक्षा करने को पड़ बीजेडी कहि कालिया योजना बंद कले प्रतिवाद करा जिवो। चासिंग को खाता को आसीबो कि कालिया टंका आशा और आशंकर कालिया हिताधिकारी उपमुख्यमंत्री कहले अपेक्षा करने को पड़ पीएम किसान योजना रे चाषी खाता को सहायता टंका आसीबा परे ओडिसा रे कालिया हिताधिकारी मध्यरे उभय आशा और आशंका बढ़िबारे लागिछि। नुआ सरकार आसिले भी पुरुणा सरकार को एकाधिक योजना को बलवत्तर रखा जाइछि तेणु कालिया योजना पूर्व भली बलवत्तर रही पारे बोली हिताधिकारी माने आशा बांधिछन्ति। आशा जेतिकि द्वंद्व सेतिकि मिलिबो कि कालिया टंका एभली प्रश्न भितरे कालिया टंका संपर्क में बड़ा बयान रखिंट उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव कहते नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 17तम किस्ती में टंका हस्तांतर कर कालिया राज्य सरकार को निजस्व योजना थी तेज लागू हो कि नहीं प्रश्नर उत्तर पर अपेक्षा करने को पड़ कालिया योजना हूँ राज्य सरकार योजना प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि नीति हूँ केंद्र सरकार काली प्रधानमंत्री तांकर इंस्टॉलमेंटा को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंटा को घोषणा करिछन आउ डीबीटी माध्यम रे चासी मानकर खाता रे सीटा पड़ी अपेक्षा करुन अपेक्षा करंतु मंत्री स्पष्ट उत्तर रखि नथिबारु आहुरी द्वंद्व बढ़ुथुवा बेले बीजेडी कहिछि
କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କଲେ ଦଳ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଲୋକ ଯୋଉ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଚାଷୀର ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିଲା ଚାଷୀର ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ହେଉଥିଲା 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେଉଥିଲା ଯୋଉ ଯୋଜନାରେ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଯଦି ନୂଆ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ଲୋକ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେଉଥିଲା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ସରକାର ବିରୋଧ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସରକାରକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିଧାନସଭାରେ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ସିଏ ରହିବନି, ଯେ ବି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବିଜେଡି ସରକାର ଗୋଟେ ନିଜ ମୁତାବକରେ ସେ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା ବୋଲିକିରି ଆମେ ବି ଫିଲ୍ କରୁନୁ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ୍ ପାଇଁ ସେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ହିତ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇନଥିଲା। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଓ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଓ ନୂଆଖାଇ ତିଥିରେ ଦୁଇଥର ଚାଷୀଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ପ୍ରାୟ 51 ଲକ୍ଷ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ କ'ଣ ହେବ ସେହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନୟ ଓ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଦେବାଶିଷ ସାସମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁର ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସୁଛି। 8 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହୁଛି ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ ଯାହାକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, କାରଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜୁଲାଇ 8ରେ ଖୋଲିବନି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖବର ଆଜି ଆମେ ଦିନ ତମାମ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ କି 8 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀ ଏ ବାବଦରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଉପରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ବାବଦରେ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆବେଗ ଜଡ଼ିତ, ଏହାରି ଭିତରେ ଦିନରେ ଆଜି ଖବର ଆସିଥିଲା କି ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇର ଅଧିକାରୀ ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଖବର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀକି ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ଯଥାବିଧି ନିଆଯିବ। ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ସେ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। କ'ଣ ହେବ ସେ କଥାରେ ଆପଣ ମୋତେ ମୋ ମୁହଁରେ କହିବେ କି? ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ସେ କଥା ହେବ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେ କଥାଟାକୁ ଅଯଥାରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲୋକ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନିଜ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ସେ କଥା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ, ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର, ସୁନୀଲ ବନ୍ସଲ, ଲତା ଉଶେଣ୍ଡିଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସରକାର ଗଠନ ପରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ନେତା ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କ'ଣ କମ୍ ରହିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଲା, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ଦଳର ଭଲ ଫଳାଫଳ ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଜେପି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ
आगामी दिन में संगठन किपर सुदृढ़ हो पार से नहीं आलोचना होता कह जगमरा गाँव में गोटे मुकुला ड्रेन दृश्य असराए वर्षा हेले रास्ता और ड्रेन एकाकार हो जाए रास्तार पा आसते आंठू उपरे पा हो जाए ए ड्रेन रे उपरे पानी जाए तो ड्रेन कौन रास्ता कौन एत सहज भाव में लोक जापर ना विशेष करके छोट छुआ मैंने जितने एबड़े जाऊँच से मैंने बुझा एत सहज हम ना कि प्रकृति ड्रेन कौटी अच्छी रास्ता कौटी अच्छे एने विभागीय अधिकारी तथा स्थानीय प्रतिनिधि को स्थानीय लोक मैंने बारंबार अभियोग कले भी कहीं शुणु ना अभियोग आसते देखिक जाऊँ कि करना कि सरकार बदल कहू देखिए कौन हो मुकुला ड्रेन टी हूँ जगमोहन नगर दुईपटे घर सामने रास्ता आ मझे रही मुकुला ड्रेन डर तो लगुथ कि ये हाँ डर लगे तो जितना वर्षा हुए कौन परिस्थिति हुए जना पड़े नहीं ड्रेन कोटा ना जना पड़े नहीं टोटली पानी परे आंठी जांगे हे जाए तो परिवार भी हां ए बड़ा ड्रेन टी हेउची सौभाग्य नगर अंचल रो बरबारी रो पोलो उपरे लुहा बाड़ दिया जाय छि सत किंतु पोलो रो दुई पार्श्व रे फांका रही छि ए पोलो रु पड़िले कोन हेबो आपण अनुमान करंतु रास्ता और ड्रेन पूरा समान ही की रही सेथिपाई रास्ता कोटा ड्रेन कोटा जना पड़े ना आभली अनेक मुकुला ड्रेन राजधानी भुवनेश्वर रही जमी आम जगमरा अंचल देखा सेमती अनेक जगार सामान अवस्था रही मुकुला ड्रेन में पड़ नाबालक मृत्यु होगापर घटनास्थल में पहुंची स्थित अनुधान कर नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहीं भाव ड्रेन टी खोला पड़ी से नहीं पचारि बुझी दुर्घटना को नहीं रिपोर्ट देवा को बीएमसी कमिश्नर को निर्देश देते नगर उन्नयन मंत्री एवं जी दोषी प्रमाणित हो से विरोध में सात दिन भितर कार्यानुषान केवल से नुहे तीन दिन भितर राजधानी में जी मुकुला ड्रेन अच्छी तहार तालिका कर सेठे बारिकेडिंग और स्लाब पकड़ निर्देश देते मुझे देखुची बारिकेडिंग भाया परिस्थित हो न था तेणु कौन पाई एटी बैरिकेडिंग टाक छाड़ी दिया गला एवं कौन पाई छाड़ी केबे सैंक्शन नहींतला कौन पाई हेला नहीं समस्त कथा इंक्वायरी करके बीएमसी कमिशनर जी अच्छा मुझे कही संध्या सुधा रिपोर्ट करेंगे कले आम कार्यानुषान फास्ट रू ना ड्रेन डर ना जो काम होता कंट्राक्ट आसा काम पूरा होती छाड़ी पढ़ाला आम जो कंट्राक्ट कल सर आई कहीं छाड़ी तुम पढ़ाऊ आमर हच पानी पशी बोले यहाँ रेलवे बाला काम यहाँ रेलवे बाला कर छाड़ी पढ़ाब आमर एतकी काम हेले एटा काई तुम छाड़ी कि जीव काई रेलवे वाला एटा करबे एटा तमो काम न रेलवे वाला काम बीएमसी रो तथ्य अनुसार भुवनेश्वर 77 किलोमीटर विशिष्ट 11 टी मुख्य ट्रेन रही छि 1100 किलोमीटर रो सेकेंडरी बा सब ट्रेन रही छि विधानसभा रो तथ्य अनुसार ए ट्रेन मध्येरु 17 टी ब्लैक स्पॉट ट्रेन रहितला तबे वर्तमान समय रे ए ट्रेन रे केउ केउ स्थान रे मुकुला होई रही छि से ने रिपोर्ट देबा को बीएमसी कमिश्नर को कह जाय छि तेरे प्रश्न उठू आउ केते जीवन गले चेतिबो बीएमसी भुवनेश्वर कैमरा पर्सन बाणीनंदन और चिन्मयों नवकिशोर और अनुज दास रिपोर्ट कनक न्यूज़।